माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 2 आपके सामने है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट्स है और सेंटर इसका ओ है और पी ओ क्यू कोण 110 है, आपको पाना है पी टी क्यू। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसको हमने बनाया, ये सर्किल है, इसके ऊपर पी टी और क्यू टी, टी पी और क्यू टी है, ये दो स्पर्श रेखाएं यानी इसको स्पर्श करती हुई निकलती है ये रेखाएं, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए दोनों के। और पी ओ क्यू जो है यहां से जो ये रेखा बनती है ओ पर, ये दोनों समान है, यहां पर कोण बनता है 110 का, तो आपको पी टी क्यू कितना है यानी ये कोण कितना है ये ज्ञात करना है, ये कोण दिया हुआ है कितना है। देखिए दो चीज देखिए, एक तो आप ये देखिए कि पी टी जो रेखा है इसके ऊपर पी ओ है, ये परपेंडिकुलर है इस पे पी टी पे, यानी ये अगर सीधी रेखा है तो ये इसके ऊपर सीधी रेखा खींची गई है, तो ये पी कोण है ये क्या है 90 डिग्री का है। ओके, इसी प्रकार से ये ओ क्यू है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू टी पे, क्यू टी जो रेखा है इसके ऊपर ये सीधी रेखा खींची गई है, इसका मतलब ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री है, यानी P भी 90 डिग्री है और Q भी 90 डिग्री है, दो चीजें अपने पास आ गई और ये 110 है। अब देखिए चारों को कोण जो मिलाते हैं पी टी क्यू ओ या ओ पी टी क्यू, तो ये चारों मिलकर के क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटर बनता है, चतुर्भुज बनता है, और एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना है 360 होता है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360। अब तीन कोणों का हमें पता है, एक कोण का क्या है 90 पी का और क्यू का कितना है 90 और ओ का कितना है 110, तीन कोण का पता है तो चौथे कोण का कितना होगा जो भी होगा, ठीक है, चौथा कोण कौन सा पी टी क्यू, मान लीजिए इसका इतना है तो कुल कितना होगा 360। ओके, तो कोण पी टी क्यू होगा 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 110, तो ये हो गया 290। ओके, यानी 70 डिग्री। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बी, 70 डिग्री बी, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखिए आप इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है आपको इसको देख करके आप समझ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।